आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश खेती और किसानी में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ इस बार जहां कृषि मंत्रालय ने देश रिकॉर्ड 306 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन होने का अनुमान लगाया है, वहीं दूसरी तरफ देश में बागवानी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान जारी किया गया है उसके तहत 2019 की तुलना में बागवानी फसलों का रकबा 27,478 हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 27,563 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। वहीं उत्पादन के मामले में इस वर्ष भी देश में फलों की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि इस वर्ष सब्जियों के उत्पादन में कमी का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सरकारी स्रोतों से मिले आंकड़ों के बाद वर्ष 2020-21 का अंतिम और 2021-22 का अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके तहत देश में 2019-20 की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ेगा। विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन यानी कि 4.4% से अधिक है। वहीं 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 333.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में लगभग 1.35 मिलियन टन से कम है। लेकिन इस तरह 2019 की तुलना में बीते दो वर्षों में देश के अंदर बागवानी का रकबा और उत्पादन दोनों बढ़ा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक देश में फलों के उत्पादन में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 102.08 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था, जो 2020-21 में बढ़कर 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं 2021-22 में 102.9 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि विभाग की तरफ से जारी अनुमानों के मुताबिक देश में इस वर्ष सब्जियों के उत्पादन में कमी का अनुमान है। विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में देश के अंदर 188.28 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन हुआ था, उसकी तुलना में 2020-21 में 200.45 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान 199.9 मिलियन टन सब्जियों के उत्पादन होने का अनुमान है। इस तरह चालू वर्ष में सब्जियों के उत्पादन में कमी आने का अनुमान है, जिससे प्याज का उत्पादन 2020-21 में 26.6 मिलियन टन के मुकाबले 31.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं आलू का उत्पादन 2020-21 में 56.2 मिलियन टन की तुलना में 53.6 मिलियन टन होने की उम्मीद है। तो ये थी बात कि देश में बागवानी फसलों का जो रकबा है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ रुकते हैं बड़ी खबर में एक ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।